Hi everyone, welcome back to our YouTube channel StudyBand. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड बैंक अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वही देखिए क्योंकि देन so, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डिफरेंसेज हैं जिन वजह से या वीकेंड से क्या रीजन है जिन वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक रिकनसाइड नहीं करती और वीकेंड से मैच नहीं करती अब क्या करेंगे आज मैंने आपको क्या करवाना था मैंने बताया था कि वी विल डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके बेस पे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं राइट right? तो उससे पहले क्या करते हैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने कल पढ़ा था एक क्विक ओवरव्यू ले, ले लेंगे ताकि आपको दोबारा याद आ जाए देन वी विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए बीच में कोई पार्ट स्किप ना करें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये मैंने आपको बताया था कि दिस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू द कैश बुक विद पासबुक ठीक है मैंने आपको बताया कि बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि हम जान सकें कि कैश बुक और हमारी पासबुक किन वजह से रिकनसाइल नहीं कर रही है मैंने कि कैश बुक में कौन सा बैलेंस देखेंगे जो आपकी बैंक कॉलम में शो कर रहा होगा क्योंकि हमारी यहाँ पे बात है किसके रिलेटेड हो रही है रिलेटेड टू बैंक ठीक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो हमने बैंक के कॉलम को ही मैच करके बैंक का बैलेंस रिकनसल्ट करना है विद द बैलेंस शोन इन पासबुक और पासबुक क्या है ये कॉपी है विच इज गिवन टू यू बाय द बैंक जिसमें आप रेगुलरली एंट्रीज को अपडेट करवाते रहते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है एंड द मेन मोटिव ऑफ बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट इज टू मेक श्योर दैट द बैलेंस ऑफ कैश बुक शुड मैच विद द बैलेंस ऑफ पासबुक आई होप दिस इज क्लियर टू यून आफ्टर दैट मैंने आपको बताए थे कई सारे रीजन्स ठीक है रीजन्स बताए थे किस चीज़ के लिए ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या डिफरेंसेज आ रहे हैं जिन वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रही है रीजन्स मैंने आपको बताए थे तीन आई टोल्ड यू थ्री रीजन्स नंबर वन वॉज रीजन ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस एक टाइमिंग की वजह से था देन ड्यू टू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाई दी बैंक कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जो रिकॉर्ड कौन करता था डायरेक्टली बैंक करता था हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे देन ड्यू टू एरर्स देन डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग में आई टोल्ड यू टू मेन रीजन्स कौन से कौन से थे एक तो आपका था चेक इशूड बट नॉट येट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट देन सेकेंड वन आई टोल्ड यू चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड और वी कैन से क्रेडिटेड क्रेडिटेड क्यों कहा क्योंकि आपके बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक ने तो क्रेडिट ही करना है ये मैंने आपको रीजन कल ही बताया था कि क्यों आपको डिपॉजिट के टाइम बैंक क्रेडिट का मैसेज भेजता है और क्यों विड्रॉल के टाइम पे डेबिट का आई होप यू स्टिल रिमेंबर दैट एंड अगर किसी ने नहीं देखा अभी तक तो वो प्ले में जाकर देख सकता है देन अब आपको ये चीज याद रखनी है दो तो ये जो पॉइंट्स हैं चेक्स इशूड वाला और ये चेक्स डिपॉजिटेड वाला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इन्हीं के बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं देन ट्रांजेक्शन बाई दी बैंक इसमें मैंने आपको बताए थे बैंक ऑलरेडी खुद ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं लाइक रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट चाहे वो आपने रिसीव करा हो अपने अकाउंट में रिसीव्ड और बैंक ने आपसे चार्ज करो इंटरेस्ट रिसीव्ड और चार्ज एक तो मैंने ये बताया देने मैंने आपको बताया था डायरेक्ट पेमेंट बैंक आपके बिहाफ पर कोई डायरेक्ट पेमेंट कर देता था इसकी आपको मैंने बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताई लाइक योर इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है देन उसके बाद मैंने आपको बताया था डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड कई बार जो आपने कहीं पे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है वहां से आपको डिविडेंड मिलता है तो वो डायरेक्टली बैंक में कलेक्ट हो जाता है देन आई टोल्ड यू डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर कई बार क्या होता है आपका जो कस्टमर है किसी ने आपको पैसे देने हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट करवा देता है तो उससे क्या होता है आपकी पासबुक में तो एंट्री हो जाती है बट आपको कैश बुक में पता ही नहीं लगता तो एंट्री नहीं होती जिस वजह से आपका बैलेंस मैच नहीं करता तो ऐसे कुछ रीजन्स थे जिस वजह से पासबुक और बुक रिकनसाइल नहीं करती थी द लास्ट वन वॉज एरर्स एरर्स आपको मैंने बताया था दोनों की तरफ से हो सकते हैं बैंक की तरफ से भी हो सकते हैं और आपकी तरफ से भी हो सकते हैं दैट इज कस्टमर आप बैंक के लिए तो कस्टमर है ना अब इस कस्टमर में और ये जो आपको मैंने यहाँ पे कस्टमर बताया दैट इज डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन दोनों में कन्फ्यूज

फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है एंड यू नो द मेन पर्पज ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कि हमारी कैश बुक का बैलेंस किसके साथ मैच करे पासबुक के साथ और याद रखना कैश बुक में हम किसकी बात हैं सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की क्योंकि बैंक कॉलम ही हमें क्या बताता है कि हमारा बैंक में बैलेंस कितना है राइट right? तो फेवरेबल बैलेंस क्या है एज द नेम सजेस्ट फेवर मतलब जो आपके लिए पॉजिटिव होगा आपके फेवर में है तो फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा और अनफेवरेबल बैलेंस हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा और जैसे जैसे हमारा बैंक इंक्रीज़ करता है यू you नो know कि बैंक जैसे इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं डेबिट देयर हम कह सकते हैं फेवरेबल बैलेंस को हम क्या बोलते हैं डेबिट बैलेंस इसका दूसरा नाम है और सिमिलरली जब अनफेवरेबल है दैट मीन्स नेगेटिव बैलेंस है और जैसे जैसे हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज़ करता है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट हैंस वी कैन से अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस यहाँ तक क्लियर है और ये है अनफेवरेबल जो हमारे फेवर में नहीं है इसका दूसरा नाम क्या होता है ओवर ड्राफ्ट या हम कह सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस या हम कह सकते हैं ओवर ड्राफ्ट बैलेंस और आपने इस चीज़ का नाम सुना होगा ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी जो आपको बैंक से मिलती है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं चाहे आपके बैंक अकाउंट में हंड्रेड रुपीज़ ही क्यों ना हो बट स्टिल आप उससे ज्यादा अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं लेट से आपने टू हंड्रेड रुपीज विदड्रॉ करवाए तो क्या हुआ आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो गया दैट इज रुपीज हंड्रेड आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव चला गया तो यही क्या है हमारा ओवर ड्राफ्ट बैलेंस जब हमारा बैलेंस हमारे फेवर में नहीं है ये तो उल्टा हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई है तो हम क्या बोलेंगे ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होता है अब आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये हो क्या रहा है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगा कि वट आई एम ट्राइंग टू से अभी मैंने आपको बताया कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस की बात की अब आप सोचेंगे कि पासबुक में क्या होगा पासबुक में भी सेम होगा अगर आपका कैश बुक का फेवरेबल है दैट मीन्स पासबुक का भी क्या है फेवरेबल बैलेंस है दैट इज़ ऑब्वियस ना और जब हमारा कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस है दैट मीन्स हमारा पासबुक में भी अनफेवरेबल बैलेंस है बट वन थिंग क्या याद रखना है कैश बुक में तो हमारे लिए डेबिट बैलेंस है ये चीज़ मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताई है एन आई एम टेलिंग यू हमारा कैशबुक में डेबिट बैलेंस है बट पासबुक के लिए क्या होगा वो क्रेडिट बैलेंस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है सिमिलरली जब आपका कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है हमारी पासबुक में क्या होगा वो डेबिट बैलेंस दिस इज वट आई एम ट्राइंग टू से कि ये चीज नहीं आपने गलत करनी है आप देखेंगे कि कैश बुक का डेबिट है दियफोर पासबुक में भी डेबिट होगा नो हमेशा उसका ऑपोजिट होगा इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं जब जब हमारा बैलेंस इंक्रीज़ करेगा कहाँ पे इन द कैश बुक तो क्या होगा डेबिट होगा और जब बैलेंस इंक्रीज करेगा इन द पासबुक क्रेडिट होगा दैट इज ऑब्वियस कैश बुक में अगर डेबिट है तो पासबुक में क्या होगा क्रेडिट होगा सिमिलरली वेन यू बैलेंस डिक्रीजेज इन द कैश बुक क्या होगा क्रेडिट होगा और पासबुक में क्या होगा डेबिट होगा हमेशा ये आपस में ऑपोजिट होंगे और जब जब बैलेंस इंक्रीज करेगा मींस आपके फेवर में है दैट मींस फेवरेबल बैलेंस और जब जब बैलेंस डिक्रीज करेगा वो होगा अनफेवरेबल बैलेंस और भी अगर दूसरे वे में हम समझना चाहें हम ऐसे बोल सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक और यही क्या है हमारा फेवरेबल बैलेंस होगा और ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा और अनफेवरेबल बोलो या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको ओवर ड्राफ्ट ये क्या होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक और ये क्या होगा नेगेटिव होगा अब जब क्वेश्चन देखोगे आप पता लग जाएगा कब प्लस का साइन आएगा कब माइनस का साइन आएगा आई होप दिस इज क्लियर टू यू बट स्टिल इफ यू आर लेफ्ट विथ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अब तो चलिए अब फॉर्मेट भी देखते हैं कि बैंक रिकन्सुलेशन बनाई कैसे जाती है दिस इज़ द फॉर्मैट कैसे होता है सबसे पहले लिखते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन जो भी आपकी डेट होगी क्लोजिंग डेट या जब भी आप बनाना चाहेंगे मैंने आपको बताया था पहले भी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि वो फर्स्ट ईयर या एक ही साल के बाद बनानी है ऐसा कोई कंपलशन नहीं है जब आप देखें कि आपको रिकनसाइल कर लेना चाहिए आप तब भी बना सकते हैं या फिर जब भी आपके पास बैंक से बैंक स्टेटमेंट आती है आप तब भी बना सकते हैं क्लियर तो सबसे पहले है यहाँ पे पर्टिकुलर्स देन प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स अब एक तरफ प्लस कॉलम है एक तरफ माइनस कॉलम है यहाँ पे है बैलेंस एज पर कैश बुक अब क्वेश्चन कैसे होगा आपको बैलेंस दे दिया होगा या तो एज पर कैश बुक भी हो सकता है पासबुक भी हो सकता है ये बीच में और है ठीक है इन दोनों में से एक होगा जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा उसका क्या मतलब होगा कि हमने तो आपको कैश बुक का बैलेंस दे दिया है अब आप थ्रू वेरियस एडजस्टमेंट्स बताइए कि पासबुक का बैलेंस क्या होगा तो जब भी कैश बुक का बैलेंस दिया होगा हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है सिमिलरली जब हमें पासबुक का बैलेंस दिया होगा स्टार्टिंग में, तो हमें किसका निकालना है, कि प्लस करनी है या माइनस वो आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बता दूंगी ओके यहाँ पे माय मेन मोटिव इज टू शो यू कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बैलेंस प्लस में आएगा या माइनस में आएगा अगर हुआ आपका बैलेंस फेवरेबल तो वो कहाँ आएगा प्लस वाली साइड पे और हुआ अगर आपका बैलेंस अनफेवरेबल या वी कैन से ओवरड्राफ्ट तो वो कहाँ आएगा माइनस वाली साइड पे देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया जब भी आपका होगा फेवरेबल बैलेंस तो प्लस का साइन और अगर होगा अनफेवरेबल बैलेंस माइनस का साइन आई होप अब आपको समझ आया कि मेरा मेन मोटिव क्या था फेवरेबल और अनफेवरेबल का बताने का नाउ यू आर रेडी फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना मैंने आपको समझाया उससे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन इज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड बट द पासबुक बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न्स। क्या मतलब हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन को जो आपकी कैश बुक थी उसका बैंक बैलेंस क्या शो कर रहा था डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड आपकी कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा था दैट मीन्स ये क्या है आपका फेवरेबल बैलेंस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक तो हमें पता लग गया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बोल लो या फेवरेबल डेबिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक एग्जाम में पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी आप तो अपने अकॉर्डिंग बस सिंपली जो प्लस करना है प्लस कर देना फिगर्स में जो माइनस करना होगा माइनस कर देना ये तो सिर्फ मैं आपको एज अ प्रेजेंटेशन के लिए बता रही हूँ अब देखिए यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है कैश बुक दैट मीन्स अब हमें क्या निकालना है बैलेंस एज़ पर पास बुक ये तो ऑब्वियस है कि अगर कैश बुक का दिया है तो हमें क्या होगा कि हमें पासबुक का निकालना होगा बट इससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग अब आपको पता लग गया है कि या तो आपको कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा या तो पासबुक का तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो आपको क्या निकालना है पासबुक का बैलेंस सिमिलरली जब आपको पासबुक दी होगी स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको क्या निकालना है कैश बुक का बैलेंस बट इनके बीच में जो भी एडजस्टमेंट्स आएंगी वो हमें कैसे पता लगेगा कि कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या फिर पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके के लिए आप क्या याद रखेंगे जब भी कैश बुक से हमने जाना है पासबुक पे तो हम चीजें भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे पासबुक के अकॉर्डिंग जो पासबुक में होगा हम भी वही करेंगे यह हम कैसे बोल सकते हैं एक ट्रिक की तरह है याद रखना है तो आप कह सकते हैं डू वट डी बैंक हैज़ डन हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जैसे बैंक ने करी होगी अगर बैंक ने प्लस करा है तो हम भी कैश बुक में प्लस कर देंगे अगर बैंक ने माइनस करा है तो हम भी कैश बुक में माइनस कर देंगे और वैसे भी पासबुक कौन बनाता है सिस्टम ऑफ बैंक की बैंक बनाती है देरफोर हम अगर पासबुक तक जाना है तो हमें कैसे सोचना है कि बैंक ने क्या करा होगा सिमिलरली कैशबुक आपको पता है कौन बनाता है कस्टमर या वी कैन से अकाउंट होल्डर या हम बोलेंगे अकाउंटेंट क्योंकि कस्टमर के बिहाफ पे ही कौन बनाता है अकाउंटेंट देर फोर यहां पे एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग करेंगे एज पर दी कस्टमर या हम बोल सकते हैं डू वट कस्टमर आपको दो मेन रूल याद रखने हैं इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बैंक बट कलेक्टेड बाई द बैंक ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्या मतलब हुआ हमने फिफ्टीन हंड्रेड के जो चेक थे हमने अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए बट बैंक ने कब कलेक्ट करे ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी बट हमारी बुक्स कब की बन रही है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ओके तो ये देखा जाए फर्स्ट अप्रैल तो थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद आएगी बट हमने सिर्फ स्टेटमेंट बनानी है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक दैट मींस थर्टी फर्स्ट मार्च तक फिफ्टीन हंड्रेड के चेक हमारे बैंक में एक्चुअल में नहीं आए थे तो इससे क्या हुआ हमने कैश बुक में प्लस कर दिया फिफ्टीन हंड्रेड जबकि पासबुक में कुछ उसकी एंट्री हुई नहीं होगी थर्टी फर्स्ट मार्च तक और अब हमें पता है कि हमने किसके अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना है एज पर दी पासबुक तो अगर पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना है हम देखेंगे कि पासबुक में क्या हुआ है पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं है बट हमने प्लस कर दिया तो तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे देयरफॉर फॉर यहाँ क्या लिखेंगे लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक कितना आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड और हाँ यहाँ पे डेबिट बैलेंस था ट्वेल्व थाउजेंड का फेवरेबल था तो ये पॉजिटिव साइड आएगा ट्वेल्व थाउजेंड अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है वन ऑफ अवर कस्टमर डिपॉजिटेड रुपीज थर्टी टू हंड्रेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड इन दी पासबुक ओनली अब इसका क्या मतलब हुआ हमारा एक कस्टमर था अब यहाँ कस्टमर आप ख़ुद नहीं हैं ये हमारा कस्टमर है जो हमारे बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है क्या थर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवा दिए थर्टी टू हंड्रेड जिसकी वजह से क्या हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुई हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी बट पासबुक में एड हो गया कितना थर्टी टू हंड्रेड अगेन हमने कहाँ जाना है पासबुक की तरफ देखना है तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे पासबुक ने भी ऐड करा है तो हम भी ऐड करेंगे लिख देंगे ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस में कितना आ जाएगा थर्टी टू हंड्रेड देन नेक्स्ट वन चेक्स ऑफ रुपीज नाइन्टी टू हंड्रेड वर इशूड ऑफ विच रुपीज़ ट्वेंटी टू हंड्रेड वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन फिफ्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब ध्यान से देखिए इस एडजस्टमेंट को क्या कहती है हमने नाइन्टी टू हंड्रेड के चेक इशू करे इसका क्या मतलब हुआ हमने किसी को पेमेंट करनी थी तो हमने अपनी तरफ से नाइन्टी टू हंड्रेड की पेमेंट कर दी उससे क्या हुआ होगा कैश बुक से हमने नाइन्टी टू हंड्रेड सब्टैक्ट कर दिया बट आगे क्या कहा उन्होंने उनमें से रुपीज़ जो ट्वेंटी टू हंड्रेड थे वो कब पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए ऑन फिफ्टींथ जून दैट फ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च अब थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद प्रेजेंट हुए मींस ट्वेंटी टू हंड्रेड अभी तक हमारे बैंक से लेस नहीं हुए हैं बट इनमें ही ट्वेंटी टू हंड्रेड इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे दोबारा से ट्वेंटी टू हंड्रेड एड कर देंगे टू अराइव एट द बैलेंस ऑफ पासबुक आया समझ एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना आ जाएगा रुपीज ट्वेंटी टू हंड्रेड नाउ नेक्स्ट वन पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज थ्री थर्टी एज इंटरेस्ट पासबुक में क्रेडिट शो हुआ कितने रुपीज थ्री थर्टी एज एन इंटरेस्ट मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट एड करा आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक ने क्या करा होगा मतलब पासबुक में प्लस हुआ थ्री थर्टी बट कैश बुक में आपको कुछ नहीं पता लगा और हमने कहाँ जाना है पासबुक को देखना है और पासबुक में प्लस हुआ है Therefore, हम यहां भी क्या करेंगे एड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना आ जाएगा थ्री थर्टी देन उसके बाद क्या लिखा है यहां पे एंड अ डेबिट ऑफ रुपीज़ सिक्सटी एज़ बैंक चार्जेस और क्या हुआ बैंक से डेबिट हो गए रुपीज़ सिक्सटी मतलब बैंक से पैसे कटे किस चीज़ के लिए बैंक चार्जेस के वजह से मतलब पासबुक ने क्या किया माइनस कर दिया सिक्सटी बट आपकी कैशबुक में कुछ भी नहीं हुआ हमने फिर से पासबुक को देखना है कैश बुक में लेस हुआ है सिक्सटी तो हम कैश बुक में भी कर देंगे लेस बैंक चार्जेस सिक्सटी तो अब आप इससे क्या करेंगे पहले प्लस साइड का टोटल करेंगे देन माइनस साइड का फिर देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है तो जब आप पॉजिटिव साइड का टोटल करेंगे पॉजिटिव साइड का टोटल करने के बाद यू विल गेट रुपीज़ सेवेंटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी ओके और जब, और जब आप नेगेटिव साइन का टोटल करेंगे तब तो आपके पास आएगा वन फाइव सिक्स ज़ीरो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा रुपीज़ वन सिक्स वन सेवन जीरो ये होगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक अब आप देखेंगे मैंने नेगेटिव साइड पे लिखा पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं लिखा क्योंकि पॉजिटिव साइड का टोटल क्या आ रहा है वन सेवन सेवन थ्री जीरो बट यहाँ पे तो हमारा छोटा आ रहा था वन फाइव सिक्स जीरो का अब वन सेवन सेवन थ्री जीरो हमें बैलेंस तो करना है अपने अकाउंट को तो क्या करेंगे दोनों को बराबर करने के लिए हमें यहाँ छोटी साइड पे कितने की जरूरत है वन सिक्स वन सेवन, सेवन जीरो के और यही हमारा बैलेंस है एज पर पासबुक तो मेन कंक्लूजन क्या निकलता है इससे बस एक ही बात याद रखेंगे आप उस, उससे आपके सारे बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे बस याद रखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और हमने निकालना क्या है जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था एज़ पर कैश बुक तो हमने क्या निकालना था एज पर पासबुक और ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने करी यहाँ पे क्या सोच के करी कि हमारे बैंक में या वी कैन से हमारी पासबुक में क्या हुआ होगा तो उससे आपका आंसर निकल गया रुपीज़ वन सिक्स वन सेवन ज़ीरो चलो अब आगे चलते हैं और हाँ मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ डिटेल में समझा पाऊँ कि कौन सी चीज़ हमने क्यों प्लस करी है क्यों माइनस करी बट स्टिल फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता है वहाँ पर आई एम फ्री टू आंसर यू नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्यूज जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं नाउ दीज आर द एम सी क्यूज हाँ बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू गिव यू वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क जो आप खुद ट्राई करेंगे और फिर बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है ये है क्वेश्चन और हाँ इस क्वेश्चन में क्या है पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर आप गए थे पासबुक की तरफ बट ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने आपको पासबुक का बैलेंस दिया है और आपको कहाँ पर अराइव करना है एज पर कैश बुक अब आप इसे खुद ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंसर क्या है तो मैं आपको बताऊंगी कि वो ठीक है या नहीं बट स्टिल अगर किसी का आंसर नहीं आएगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो एक दोबारा से एक और अपलोड कर दूंगी जिसमें इसका सोल्यूशन होगा ओके नाउ लेट स्टार्ट दी एम सी क्यूज फर्स्ट क्वेश्चन इज बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑप्शन बी नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑप्शन सी पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अब हमें बताना है कि बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट क्या है ठीक है ये पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है नहीं दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं जस्ट टू कंपेयर द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक विद पासबुक और हम ये कंफर्म कर पाए कि हमारी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट शोन द पास बुक तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा देन सेकेंड ऑप्शन क्या है नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पहले आगे देख लेते हैं सी क्या है पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट ये ऑप्शन तो पक्का नहीं है क्यों कंफ्यूज नहीं होना आप देखेंगे कि बैंक रिकन्सिडेशन स्टेटमेंट है दैट मीन्स हाँ कि ये बैंक स्टेटमेंट का पार्ट है उन्होंने क्या कहा पार्ट है पार्ट तो नहीं है इतना हम कह सकते हैं कि हाँ ये इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर है क्योंकि बैंक स्टेटमेंट क्या है एक तरह से पासबुक है और पासबुक के बैलेंस को हम अपने बुक के बैलेंस के साथ मैच करते हैं और उसी को हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो वो इस तरह से कनेक्टेड है हमारी बैंक स्टेटमेंट से ना कि हम इससे कहेंगे कि पार्ट है और एक और रीजन क्या है कि बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है ये बैंक की तरफ से हो रहा है सब कुछ काम बट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बना रहा है वो कस्टमर बना रहा है वो आप खुद बना रहे हैं या वी कैन से हमारा अकाउंटेंट बना रहा है तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कभी भी बैंक स्टेटमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन जबकि बैंक स्टेटमेंट कहाँ से बन रही है थ्रू बैंक तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी दिस विल बी दी करेक्ट आंसर बैंक स्टेटमेंट डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती जैसे कि अभी मैंने आपका ऑप्शन ए में भी बता दिया कि हम बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ चेक करते हैं कि रिकनसाइल हुआ हमारा बैलेंस या नहीं और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी चीज़ हंड्रेड से डेबिट करी है वही सेम चीज़ आपको हंड्रेड से भी क्रेडिट करनी पड़ेगी हमेशा डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा बट हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट की कोई बात ही नहीं करते उसमें हम सिर्फ कैश बुक और पासबुक को देखते हैं राइट right? तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन सेज Payment side of the cash book has been undercast by rupees 200. When balance as per the cash book is the starting point, then to get the balance as per passbook, option A, rupees 200 will be deducted, option B, rupees 200 will be added. ऑप्शन सी रुपीज़ फोर हंड्रेड विल बी एडिड और ऑप्शन डी रुपीज़ फोर हंड्रेड विल बी डिडक्टेड अब सबसे पहले आपने क्या देखना होता है मैंने आपको बताया है, हमने देखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है फिर उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अब हमने किसके बैलेंस पे अराइव करना है तो जब आपने यहाँ पे पढ़ा तो आपको पता लगा कि स्टार्टिंग पॉइंट किसका दिया है हमें एज पर कैश बुक हमें दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक अभी ये नहीं बताया कितना अमाउंट है हम मान लेते हैं लेट से रुपीज़ थाउजेंड था ओके तो क्वेश्चन में क्या कहा कि जो पेमेंट साइड है कैश बुक की वो अंडर कास्ट हुई है बाई रुपीज़ टू हंड्रेड अब ये क्या चीज़ है नाउ यू नो द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक कैश बुक में आई एम कंसिडरिंग ओनली दी बैंक कॉलम ये मैं बार बार बोल रही हूँ ठीक है यहाँ पे क्या होती है डेबिट साइड पे आपकी रिसीट्स होती हैं रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे क्या होती हैं पेमेंट्स अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी पेमेंट साइड है कैश बुक की दैट मीन्स ये क्रेडिट साइड ये जो पेमेंट साइड है वो कम शो हो रही है बाय टू हंड्रेड मतलब अंडर कास्ट है अब इसमें भी एग्जांपल देखते हैं लेट्स से आपकी टोटल रिसीट्स थी टू और आपकी टोटल पेमेंट्स थी वन ये हम कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट वन थाउजेंड है और रिसीट्स टू थाउजेंड है और जब हम बैलेंस निकालेंगे तो हमारा बैलेंस भी कितना आ रहा है वन थाउजेंड दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर हम कह रहे हैं कि हमारे बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए वन थाउजेंड और यही वन थाउजेंड अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में लिया कि लेट से हमारे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होना चाहिए वन थाउजेंड नाउ क्वेश्चन सेज कि हमारी पेमेंट साइड जो है वो टू हंड्रेड कम दिख रही है मीन्स ये जो हमने पेमेंट बताई रुपीज वन थाउजेंड की ये कितनी होनी चाहिए थी एक्चुअल में ट्वेल्व हंड्रेड हमने टू हंड्रेड कम दिखाई है तो अगर एक्चुअल में ट्वेल्व हंड्रेड होनी चाहिए थी पेमेंट दैट मीन्स हमारा एक्चुअल में बैलेंस भी कितना होना चाहिए था एट हंड्रेड वो कैसे आया टू थाउजेंड माइनस ट्वेल्व हंड्रेड बट हम कैश बुक में कितना शो कर रहे हैं वन थाउजेंड दैट मीन्स हमने अपनी कैश बुक में टू थाउजेंड एक्स्ट्रा दिखाया और हमने अब किस पे अराइव करना है एज पर पासबुक और पासबुक में तो टू हंड्रेड हुई ही नहीं है पासबुक में एक्चुअल में जितनी पेमेंट थी ट्वेल्व हंड्रेड वही हुई होगी पासबुक में कुछ भी अंडरकास्ट नहीं हुआ देयरफॉर हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस करेंगे टू हंड्रेड और उससे क्या होगा हमारा बाल तो उससे क्या होगा हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा थाउजेंड में से जब हम टू हंड्रेड माइनस करेंगे देन वी विल गेट बैलेंस एज पर पासबुक वो कितना आ जाएगा एट हंड्रेड आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको एग्जाम में आ सकता है तो अच्छे से समझिएगा देरफोर इसका आंसर क्या होगा रुपीज टू हंड्रेड विल बी डिडक्टेड दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट इज करंस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट शोज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई द बैंक of rupees 3800 and checks issued but not presented by the suppliers of rupees 3500 his bank balance as per cash book is rupees 25000 therefore balance as per passbook statement is option A 25000 option B 24700 option C 25300 or option D 32003 हंड्रेड अब क्या करेंगे दोबारा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है हमें कैश बुक का बैलेंस दे दिया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो हम क्या लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज़ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट क्या दी उन्होंने कि हमने चेक्स डिपॉजिट करवा दिए बैंक में बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुए कितने के थर्टी एट हंड्रेड के और अब जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दी है दैट मीन्स वी हैव टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक और अब हम सब कुछ कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू दी पासबुक कि बैंक में क्या हुआ होगा एक्चुअल में ओके okay? तो जब हमने देखा कि हमने डिपॉजिट करवा दिया था थर्टी एट हंड्रेड बैंक में दैट मीन्स हमने अपनी कैशबुक में प्लस कर दिया था थर्टी एट हंड्रेड बट आगे क्या हुआ कि वो फर्दर बैंक में कलेक्ट नहीं हुए दैट मीन्स आपके बैंक बैलेंस में वो चीज़ ऐड नहीं हुई मतलब पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ थर्टी एट हंड्रेड का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ और हमने किसको देखना है कि पासबुक में जैसा किया है हम भी वैसे करेंगे देअर फोर अगर हमने अपनी कैशबुक में प्लस कर दिया है थर्टी एट हंड्रेड बट पासबुक में नहीं हुआ था तो हम क्या करेंगे लेस थर्टी एट हंड्रेड ओके okay, इसको हम माइनस करेंगे देन उसके बाद क्या कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर्स ऑफ रुपीज थर्टी फाइव हंड्रेड हमने अपने सप्लायर्स को चेक इशू कर दिए थे कितने के थर्टी फाइव हंड्रेड के बट हमारे उसी सप्लायर ने या वी कैन से हमारे क्रेडिटर ने सप्लायर एंड क्रेडिटर्स वन एंड द सेम थिंग हमारे उस क्रेडिटर ने बैंक में चेक नहीं लगाया अभी तक हमारे बैंक से पेमेंट नहीं कटी तो पर हमने तो अपनी तरफ से इशू कर दिया था दैट मींस हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया थर्टी फाइव हंड्रेड बट पासबुक में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ दैट मींस पासबुक में स्टिल थर्टी फाइव हंड्रेड पड़े हैं तो इसको हमने पासबुक तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे अगेन एड थर्टी फाइव हंड्रेड अब मैं पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इन दी एग्जाम आपके लिए क्या मैटर करेगा सिर्फ क्या प्लस कर रहे हो क्या माइनस वो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया वहाँ अलग से बताया एक प्लस साइड है एक माइनस है अदरवाइज आप एक समरी फॉर्म में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? तो अब कितना आएगा बैलेंस एट दी एंड बैलेंस एज पर पासबुक जब आप ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से थर्टी एट लेस करेंगे और प्लस करेंगे थर्टी फाइव हंड्रेड विल गेट ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड दिस विल बी योर बैलेंस एज पर पासबुक और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग ऑप्शन ए एंट्रीज इन पासबुक विद द एंट्रीज इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं सबसे पहले तो हमें पता है कि कैश बुक का बैंक कॉलम जो होता है वो किसके साथ मैच होना चाहिए विद दी पासबुक और ऑप्शन ए भी क्या कह रहा है एंट्रीज इन दास पासबुक दैट इज़ ये वाला एंट्रीज जो होंगी पासबुक में शुड मैच विद द एंट्रीज इन दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक देअ ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर और बाकी क्यों नहीं होंगे ऑप्शन वो भी देख लेते हैं बी क्या कहता है एंट्रीज इन दास बुक विद द एंट्रीज इन दी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक नो हम तो किससे बनाते हैं विद द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक तो ऑप्शन बी तो नहीं है देन ऑप्शन सी एंट्रीज इन देश बुक विद द एंट्रीज इन जर्नल एंट्रीज ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बात ही किसकी होती है सिर्फ कैश बुक और पासबुक की देर फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इन द कैश बुक दबल बैलेंस इंडिकेट्स फेवरेबल बैलेंस की बात की है यहाँ पे मैंने आपको बताया जब फेवरेबल बैलेंस है दैट मीन्स आपका कैश बुक में क्या है डेबिट बैलेंस याद रखें कहाँ पे होगा कैश बुक का होगा डेबिट बैलेंस और पास बुक में क्या हो रहा होगा इसका रिवर्सल दैट इज क्रेडिट बैलेंस और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है किसकी बात की है कि कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस क्या होगा वो क्या है हमारा डेबिट बैलेंस देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट वन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विथ हमारी जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है वो बैंक स्टेटमेंट को किसके साथ कंपेयर करती है ऑप्शन ए कैश पेमेंट जर्नल ऑप्शन बी कैश रिसीट जर्नल ऑप्शन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑप्शन डी कैश बुक दैट इज़ ऑब्वियस इसका आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन डी कैश बुक क्योंकि हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट को या हम इसे क्या कह सकते हैं हमारी पासबुक पासबुक को किससे कंपेयर करते हैं विद दी कैश कैश बुक और बुक में किसको बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अब ऐसा नहीं है कि पासबुक और बैंक स्टेटमेंट सेम है बैंक स्टेटमेंट तो एक बड़ी सी शीट होती है यू you नो know, और पासबुक एक कॉपी होती है उसमें एंट्रीज हुई होती हैं डे बाय डे ठीक है बट जो भी एंट्रीज पासबुक में हो रही हैं दे आर सिमिलर टू बैंक स्टेटमेंट देयरफॉर बैंक स्टेटमेंट बोलो या पासबुक बोलो वन एंड दी सेम थिंग क्लियर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज डैश बैलेंस ऑप्शन ए फेवरेबल बैलेंस ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑप्शन सी एबनॉर्मल और ऑप्शन डी अनफेवरेबल बैलेंस ये भी हमने फिफ्थ क्वेश्चन में भी पढ़ा कि फेवरेबल बैलेंस को क्या कहते हैं हम डेबिट बैलेंस और यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि डेबिट बैलेंस को क्या कहते हैं एज पर कैश बुक उसे क्या कहेंगे हम फिर फेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट क्या होता है कैश बुक का अभी मैंने आपको पहले ही समझाया था ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट बैलेंस कब होगा जब कैश बुक की बात होगी बट यही अगर लिखा होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पासबुक में इसका रिवर्सल हो जाएगा दैट इज डेबिट बैलेंस देन ऑप्शन सी नहीं है अब नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है देन अनफेवरेबल अनफेवरेबल एंड ओवर ड्राफ्ट दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग

ऑप्शन सी टू कंपेयर द कैश बुक विद द पासबुक एंड असर्टेन द डिफरेंस हम कैश बुक को पासबुक के साथ पहले कंपेयर करेंगे फिर देखेंगे कि किन रीजंस की वजह से ये मैच नहीं हो रहा तो वो कौन बताएगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और ऑप्शन क्या होगा फिर सी ऑप्शन ए में बोला है कि हम पेमेंट्स को देखेंगे नो no, ऐसा कुछ नहीं है देन हम एरर्स को देखेंगे पासबुक में हाँ एरर्स तो देखेंगे पासबुक में बट साथ ही साथ में हमने किस में एरर्स चेक करने होते हैं कैश बुक में अगर एक्यूरेटली या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम कैश बुक को भी देखेंगे पासबुक को भी देखेंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे डिफरेंसेस को असर्टेन करेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय ऑप्शन ए बैंक ऑप्शन बी डेटर ऑप्शन सी क्रेडिटर और ऑप्शन डी अकाउंट होल्डर तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी अकाउंट होल्डर या वी कैन से कस्टमर और कभी कभी कस्टमर के बिहाफ पे कौन प्रिपेयर करता है अकाउंटेंट जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया होगा तो आप उस पर टिक करके आएंगे ठीक है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी अकाउंट होल्डर और कस्टमर यही दो ऑप्शन आते हैं मेनली ओके नेक्स्ट इज वेन कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक डैश द कस्टमर अकाउंट जब कैश विदड्रॉ होगा बैंक से तो कस्टमर अकाउंट क्या होगा ऑप्शन ए डेबिट ऑप्शन बी क्रेडिट और ऑप्शन सी नन ऑफ दीज हमारे बैंक से जब बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो हमारा एसेट क्या हो रहा है हमारी तरफ से तो डिक्रीज़ हो रहा है तो हम तो बोलेंगे ऑब्वियसली कि क्रेडिट है बट उन्होंने किसकी बात की कि कस्टमर के अकाउंट को क्या होगा मतलब बैंक क्या करेगा हम तो बैंक के लिए क्या है एक लाइबिलिटी है क्योंकि जितना हम उसके पास डिपॉजिट करवाते हैं तो उतना क्रेडिट होता है बट इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बैंक से विदड्रॉ करवाया है दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी क्या हुई है डिक्रीज हुई है और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है देन वी डू डेबिट फॉर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए डेबिट नेक्स्ट वन इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ए बी सी कंपनी ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी इज रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड स्टार्टिंग पॉइंट का दे दिया उन्होंने कि आपको डेबिट बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा वो रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड आगे क्या कहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर अमाउंट टू रुपीज हंड्रेड हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ या इसे हम क्या कहेंगे वो कलेक्ट नहीं हुआ बाय द बैंक या हम कह सकते हैं वो क्रेडिट नहीं हुआ बाय द बैंक अब याद रखें अनकलेक्टेड चेक्स सिर्फ इतना ही लिखा होगा क्वेश्चन में तो आपको खुद ही अल्टीमेटली समझना है क्या बात कर रहा है ये चेक्स deposited but not collected by bank या लिखा हो uncredited checks ये भी same होगा या लिखा होगा uncleared checks they all are one and the same thing तो आपको question को read करके कुछ समझना है कि वो क्या बताना चाह रहा है question okay देन हमने देखा कि चेक डिपॉजिट तो करवा दिया बट बैंक में अभी तक पेमेंट नहीं आई है रुपीज़ हंड्रेड की अब हमें डेबिट बैलेंस दिया है एज़ पर कैश बुक हमें कहाँ पे अराइव होना है एज़ पर पास बुक तो, तो जो भी पासबुक में हुआ होगा दैट इज़ जो बैंक ने करा होगा हम भी वही करेंगे हमने जब चेक डिपॉजिट करवाया कैश बुक में हमने क्या कर दिया हमने बोल दिया कि हाँ हमारे हंड्रेड रुपीज़ आ गए हैं बट पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ दैट मीन्स हमें ठीक करने के लिए या हम कह सकते हैं पासबुक पे जाने के लिए हम क्या करेंगे लेस कितना करेंगे रुपीज़ हंड्रेड फिर आगे क्या है चेक हमने इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड ऑफ रुपीज़ वन फिफ्टी हमने किसी को चेक इशू करा हम कहेंगे कि हमारी कैश बुक से वन फिफ्टी रुपीज़ डिडक्ट हो गए बट पासबुक में आगे चेक वो प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर द पेमेंट पासबुक में डिडक्शन नहीं हुई तो हम क्या करेंगे पासबुक पर जाने के लिए दोबारा से एड कर देंगे वन फिफ्टी एड वन फिफ्टी ये हमने सब्ट्रैक्ट किया और फिफ्टीन हंड्रेड में से हंड्रेड सब्ट्रैक्ट करेंगे और वन फिफ्टी एड करेंगे देन यू विल गेट वन डबल फाइव जीरो देयर फॉर ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी क्लियर वन मोर थिंग अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस की जगह दिया होता क्रेडिट बैलेंस आई मीन टू से कि क्वेश्चन में यहाँ डेबिट है इसकी जगह होता क्रेडिट तो उसका क्या मतलब होता कि वो क्या है ओवर ड्राफ्ट है एज पर कैश बुक और मैंने कहा है ओवरड्राफ्ट का अमाउंट क्या होता है नेगेटिव तो क्या होगा क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं होगा बस आपने क्या करना है फिफ्टीन हंड्रेड को नेगेटिव में लिख देना है बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा और आंसर इससे डिफर कर जाएगा ठीक है वो क्या आ जाएगा फिर बैलो जब हम फिफ्टीन हंड्रेड और वन हंड्रेड को दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव में ही आपस में क्लब हो जाएंगे इधर आएगा माइनस सिक्सटीन हंड्रेड और उसमें हम करेंगे जब प्लस वन फिफ्टी देन वी विल गेट वन फोर फाइव जीरो नेगेटिव में ये हमारा क्या हो जाएगा ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक तो अगर इफ़ यू हैव नोटिस्ड मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करा दी अगर आपको ओवर ड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक दिया होता तो हमारा एज़ पर पासबुक कितना आता आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू तो यही मेन क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट

पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है केस मैंने अलग अलग क्यों बनाए हैं एक है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक और बार क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक तो उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हमने सब करना है या फिर एड करना है वन बाय वन देखते हैं और इसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी तो देखिए मैं सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जब हमारी कैश बुक ओवरकास्ट हो रही है और कौन सी साइड रिसीव साइड एंड यू नो रिसीव साइड क्या होती है डेबिट अब आपको देखो वन बाय वन देखिए अब लिखा होगा रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा वो हमने नहीं देखना है बस समझना है कि ट्रीटमेंट क्या होगा प्लस होगा या माइनस होगा आपको पता है कि कैश बुक में डेबिट साइड होती है रिसीट साइड अब आपको या आए रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट या डेबिट साइड ऑफ़ कैश बुक स्ट दोनों विल बी वन एंड सेम थिंग ठीक है तो जब हमारी रिसीव साइड उन्होंने क्या ओवरकास्ट हो गई है उससे क्या हुआ होगा हमारे कैश बुक का बैलेंस भी ज्यादा दिख रहा होगा क्यों क्योंकि जब हमारी रिसीव पेमेंट से ज्यादा शो हो रही है से हमारी रिसीट पहले एक्चुअल में थी थाउजेंड और हमारी पेमेंट थी एट हंड्रेड इसको भी चलो देख ही लेते हैं एक अमाउंट लेते हैं ओवरकास्ट हुई थी बाय हमने रिसीट को ज्यादा लिखा दैट कितनी होनी चाहिए थी हमारी एट हंड्रेड तो जब हम 800 में से रिसीट में से पेमेंट सब करके हमारा बैलेंस होना चाहिए था जीरो बट हमने क्या करा है रिसीट को माना है 1000 और पेमेंट को माना है 800 जिसकी वजह से हम दिखा रहे हैं कि हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना होना चाहिए 200 और जब हमें कैश बुक दिया हो स्टार्टिंग पॉइंट हमने कहा जाना होता है एज पर पासबुक तो पासबुक में जाने के लिए अगर हमने ज्यादा अमाउंट ऐड किया है 200, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो यहां पे क्या आएगा साइड जब ओवरकास्ट होती है तब हम क्या करते हैं माइनस आई होप दिस इज क्लियर उसके बाद हम सेकेंड केस लेते हैं जब आपकी सीट साइड हुई है अंडरकास्ट मैंने बोला यहाँ पे हम प्लस करेंगे देखिए लेट्स से आपकी अंडरकास्ट हुई है बाय रुपीज टू हंड्रेड हम टू हंड्रेड ही लेके चल रहे हैं ठीक है और रिसीट साइड पे आपका था नाउ यू नो कि डेबिट साइड हमारी रिसीट जो है वो अंडर कास्ट हो गई है बाई रुपीज टू हंड्रेड हमें बैलेंस किस हिसाब से दी है एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमने किस पे अराइव करना है टू पास बुक अब हमारी रिसीट जो हुई है टू हंड्रेड से कम शो हो रही means, actual, है बारह सौ और हमने जब आठ सौ पेमेंट लेस कर दी तो हमारा बैलेंस आ रहा था 400, बट हमने एक्चुअल में क्या दिखाया है कि हमारी थाउजेंड्स की रिसीट्स है और 800 की पेमेंट है तो हमने शो करा है कि हमारा 200 का बैलेंस है जबकि एक्चुअल में कितना होना चाहिए था 400 का हमने जाना है पासबुक पे पासबुक में तो नहीं ऐसा हुआ कि रिसीट कम शो हुई है पासबुक तो ये कह रही है कि आपकी जो रिसीट साइड है वो अंडरकास्ट है दोस्तों से दैट मींस हमने बैलेंस अपना कम दिखाया है एक्चुअल में जबकि एक्चुअल में 200 होना चाहिए था तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 200 टू अराइव एट 400 देयरफॉर जब हमारी रिसीट्स अंडरकास्ट होती हैं देन वी डू प्लस ओके okay, तो आई अंडरस्टैंड मे बी फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा तो आप एक काम कीजिए आप बार बार वीडियो को या तो क्या करें या तो स्लो कर लें थोड़ा और स्पीड को कम कर दें नहीं तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट ट्राई करा कि वन बाय वन हर एक पॉइंट की आपको एग्जाम्पल की अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँ हर एक पॉइंट को मतलब डिटेल्ड समझा पाऊँ विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स तो चलिए अब ये तो हो गया अब अगला देखते हैं हम दैट इज ओवर कास्ट ऑफ दी पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और याद रखना अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एज पर कैश बुक तो फिर हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जो हमारी पासबुक ने करा है हम भी वही कर रहे हैं क्लियर किसी भी एग्जाम्पल से देखते हैं जब हमारी पेमेंट साइड क्या हो रही है ओवर कास्ट हम अब क्या बोलेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय रुपीज़ टू हंड्रेड अगेन एंड अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए ठीक है यही सेम कैश बुक में हमारी रिसीट साइट हमने कितना बोला रिसीट्स का टोटल क्या है वन थाउजेंड ये है आपकी रिसीट्स और आपकी पेमेंट में कितनी आ रही है एट हंड्रेड दिस इज योर पेमेंट साइड तो आपके अकॉर्डिंग कितना बैलेंस आना चाहिए रुपीज़ टू हंड्रेड अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो आपकी कैश बुक की पेमेंट साइट है वो ओवरकास्ट है मतलब पेमेंट हमने ज्यादा दिखा दी है बाई टू हंड्रेड इज ये एट हंड्रेड जो है इसमें टू हंड्रेड क्या है एक्स्ट्रा है ज्यादा प्लस हो चुका है तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था एट हंड्रेड की जगह सिक्स हंड्रेड तो जब हम वन थाउजेंड में से सिक्स हंड्रेड को माइनस करते तो हमारा बैलेंस कितना आना चाहिए था फोर हंड्रेड जबकि हमारा बैलेंस कितना आ रहा है टू हंड्रेड का मतलब टू हंड्रेड लेस शो हो रहा है और हमने कहाँ पे जाना है पासबुक में ये आप याद रखेंगे बार बार बता रही हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक तो हमारी पासबुक में क्या हुआ है पासबुक में तो नहीं ऐसा हुआ कि टू हंड्रेड कम दिख रहे हैं पासबुक में तो एक्चुअल में फोर हंड्रेड ही दिख रहे होंगे क्योंकि पासबुक ने पेमेंट को ओवरकास्ट नहीं करा होगा तो हम क्या करेंगे जब हमें टू हंड्रेड से वापस फोर हंड्रेड लाना है तो हम क्या करेंगे प्लस टू हंड्रेड तो यहाँ पे क्या होता है प्लस आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू अब हमारा क्या रह गया है पेमेंट साइड जब कैश बुक की क्या होती है अंडर कास्ट तो अब उसे समझ लेते हैं यहां पे होगा कैसे लिखा होगा एग्जाम्पल में पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज टू हंड्रेड नाउ सेम एग्जाम्पल कैश बुक में आपको रिसीट साइड दी है रिसीट्स कितनी आई वन थाउजेंड और आप बोल रहे हैं पेमेंट्स हैं आपकी एट हंड्रेड तो आपके अकॉर्डिंग बैलेंस कितना होना चाहिए कैश बुक में टू हंड्रेड बट जब आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट की उस टाइम पे आपको पता लगा कि जो आपकी पेमेंट साइड है वो टू हंड्रेड कम शो हो रही है मीन्स ये जो एट हंड्रेड है इसमें हमने टू हंड्रेड इंक्लूड नहीं करा है तो क्या होगा एक्चुअल में एक्चुअल में क्या होना चाहिए था वन थाउजेंड तो आपके अकॉर्डिंग तो आप कह रहे थे कि टू हंड्रेड बैलेंस होना चाहिए था थाउजेंड में से जब आप एट हंड्रेड निकालेंगे दैट इज रिसीट्स माइनस पेमेंट बट आफ्टर कंसिडरिंग दू अंडर कास्टिंग आपने देखा कि थाउजेंड की पेमेंट होनी चाहिए थी तो जब आप थाउजेंड में से थाउजेंड माइनस करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए था नील बैलेंस और आपने दिखाया है टू हंड्रेड तो बुक से जब पासबुक में जाना है पासबुक में तो एक्चुअल में उसने भी नील ही दिखाया होगा क्योंकि आपकी पेमेंट अंडर कास्ट हुई थी जिस वजह से आपका बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा था बाय टू हंड्रेड तो वापस पासबुक पे आने के लिए हम कैश बुक से क्या करेंगे सब देयरफॉर इसमें क्या करा हमने माइनस हमारा रह गया है बैंक बैलेंस जब आपको किसके अकॉर्डिंग दिया होगा एज पर पासबुक तब उसे भी देख लेते हैं जब आपको दी होगी रिसीट साइड ओवर कास्ट सेम वही लिखेंगे हम रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय रुपीज टू हंड्रेड कैश बुक में रिसीट साइड आ जाएगा थाउजेंड पेमेंट साइड आ एट हंड्रेड आपने कहा कि मेरा बैलेंस है भाई और जब आपको पता लगा कि रिसीट साइड से ज़्यादा लिखी है दैट ये एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी एट हंड्रेड और बैलेंस भी कितना होना चाहिए था जब हम एट हंड्रेड में से एट हंड्रेड से ट्रैक्ट करते दैट इज निल या वी कैन से जीरो होना चाहिए था पर हम क्या कह रहे हैं कि टू हंड्रेड होना चाहिए एक्चुअल में होना चाहिए था निल और यहाँ पे अब आपने क्या देखना है कि बैलेंस किसके अकॉर्डिंग चल रहा है एज पर पासबुक देरफोर हमने कहा पहुंचना है एज पर कैश बुक तो हमने सब कुछ कैसे सोच के चलना है कि कस्टमर ने क्या किया है मतलब हमने क्या करा है हमने क्या करा टू हंड्रेड ज्यादा दिखाया है फोर हम भी क्या करेंगे प्लस कर देंगे टू हंड्रेड देर फोर यहाँ पे क्या किया है? हमने प्लस नौ बाकी केसेस जो हैं ये तीन अभी आप खुद ट्राई करें एक बार नहीं समझ आएगा तो मुझे पूछिए क्योंकि बाकी सब के जैसे सिमिलर है आप यही एग्जाम्पल लेके चलिए और देखिए कि प्लस कब हो रहा है माइनस आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा और अगर नहीं आता है फिर भी अगेन आई एम सेइंग कि आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और बाय जॉइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट वाज ऑल अबाउट योर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ख़त्म हो गया जितने पॉसिबल आपको क्वेश्चन पूछ सकते थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे फ्री हो पूछ सकते हैं कहीं पर भी और अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको सब अच्छे से समझ आया देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ एनी बडी इज़ न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स सो स्टे टून फॉर मै नेक्स्ट वीडियो थैंक यू